नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज ज्योत पत्रिका है, उसी अवसर पर आज हम पहुंचे हैं जनता बाजार के बाबा ढोरनाथ के मंदिर पर। यहां आप देख सकते हैं मेला जैसा नज़ारा है। यहां महिलाएं जो अपने पुत्रों के लिए व्रत कर रही हैं और उस व्रत का जो सिस्टम है, जो नियम है, उस नियम का पालन करते हुए, जैसे कल इन लोगों ने नहा खा किया, फिर आज ज्योत पत्रिका का व्रत है। आज ये फास्टिंग है और फास्टिंग में ये स्नान कर रही हैं। स्नान करने के बाद यहाँ एक बरियार का पेड़ है। बरियार का पेड़ मैं आपको दिखाऊं कि बरियार का पेड़ है। उस बरियार के पेड़ के पास सारी महिलाएं इकट्ठा होकर के अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए कामना करती हैं। आज यह दिन भर भूखी रहेंगी, फिर रात में भूखी रहेंगी और सुबह में यह पारण करेंगी भगवान का नाम लेकर के। तो इस तरह से ज्योत पत्रिका एक जो व्रत है, वह व्रत अपने पुत्रों के लिए किया जाता है और महिलाएं हर साल करती हैं। इसका एक कथा भी है, वह कथा भी मैं आपको एक पंडित जी के जुबानी सुनवाऊंगा। फिलहाल आप देख रहे हैं श्री ढोरनाथ बाबा मंदिर के परिसर में, चूँकि यहाँ गंडकी नदी बहती है और गंडकी नदी में स्नान करना शुद्ध माना जाता है। तो यहाँ मतलब यहाँ जो महिलाएं ज्योत पत्रिका कर रही हैं, वो यहाँ गंडकी नदी में स्नान करके यहाँ, चूँकि पंडित जी लोग हैं और कथा वाचन कर रहे हैं, उस कथा को सुनना शुभ माना जाता है। कि ज्योत पत्रिका का एक स्पेशल विशिष्ट कथा होता है, वहाँ महिलाएं स्नान करने के बाद अपनी ज्योतिया जो एक शुद्ध धागे की होती है या सोने की होती है, उसको रख करके, एक बरियार का पेड़ होता है, बरियार का पेड़ बहुत ही मजबूत होता है, इसीलिए उसी पर ज्योतिया को रख करके और पंडित जी जो कथा कहते हैं उसका श्रवण किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि यही बरियार का पेड़ है, आप देख सकते हैं इसका जड़ बहुत मजबूत होता है। इसका जड़ बहुत मजबूत होने के कारण ही औरतें यहाँ इस पर पूजा करती है कि हमारे पुत्र की उम्र भी लंबी हो और मजबूती के साथ वो अपना जीवन निर्वाहन करें। तो ज्योत पत्रिका का मुख्य मतलब यही है कि हम अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए कामना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारा पुत्र लंबी जीवन जिए और मजबूत जीवन जिए। तो यह रहा ज्योत पत्रिका का नज़ारा श्री ढोरनाथ बाबा मंदिर के परिसर का, आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा कथा का अंश भी मैंने इसमें किया है, वो भी आप देखें। धन्यवाद। राजा ने कहा, मेरे माता का नाम सौभ्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है, जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देख कर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि अब तक आपने जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जो यहाँ उत्पन्न हो वो बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम ने कहा, हे पक्षीराज, गरुड़ को वरदान देकर स्वयं अमृत को लाने नागलोक चले गए और मरे हुए मनुष्यों के हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का कष्ट दूर हुआ। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ के लिए एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित अष्टमी तिथि है। आज के दिन प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मभाव हो गया है, जो मूर्ति भेद विविध नामों से विख्यात है। त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ से जीवित पुत्रिका कहलाई है। जो इस तिथि को स्त्रियां इस जीवित पुत्रिका और कुश की आकृति बनाकर पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित उदया तिथि अष्टमी तिथि को व्रत करें और नवमी में पारण करें तो सौभाग्य तो जीमूत वाहन इस तरह का वरदान देकर। और राजा भी अपने माता के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत आप लोगों से कहा है जिसको करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से इस व्रत को करो और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ उस उत्तम व्रत को किया। गौतम जी ने कहा, व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चिली ने सुन ली और खोते में जाकर अपनी सखी सियारिन को कथा सुनाई। तब कथा सुनाया, सियारिन ने आधी कथा सुनी थी, उसे भूख लग गई और मांस खाई और चील बिना कुछ खाए पिए रह गई। सवेरा होने पर गौशाला गई और उसने गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया और कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई। अयोध्या में किसी धनी घर के व्यापारी जन्म ली। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ जिनमें सियारिन बड़ी हुई और चिली छोटी हुई।
वे दोनों सभी गुणों और लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के राजा और छोटे उसके मंत्री के साथ ब्याही गई। सदृश तेजस्वी 8 बेटों को उत्पन्न किया और उनके बच्चे जीवित हो गए। तब मंत्री के पुत्रों को इस तरह जीवित देखकर राजा के पत्नी ने कहा कि उन मंत्री के पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। रानी की यह बात सुनकर राजा ने राजा ने अपने आदमियों से और मजबूती के साथ वो अपना जीवन उनके पुत्रों का सिर कटवा कर पिटारी में रखवाया और पिटारी उनके माता के पास भेज दिया। किंतु ये 8 सिर बेशकीमती जवरात हो गए और भले चंगे 8 लड़के अपने माता के पास चले गए। उनको जीवित देख कर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री के पत्नी के पास गई और उनसे पूछा कि बहन, तुमने कौन ऐसा पुण्य किया है जिसके कृपा से बच्चे बार बार जीवित हो जाते हैं। इस पर मंत्री के पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में चीली थी और तुम सियारिन थी, दोनों ने व्रत किया, तुमने व्रत के नियमों को भली भाली पालन नहीं किया से तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। वो राजरानी, अब भी तुम इस जीवित पुत्र का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे जीवित और दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कहती हूँ। बोली जीवतिया महाराज की जय, दुर्गा महारानी जी की जय, बाबा ढोड़े नाथ जी की जय, गणेश भगवान जी की जय। सभी जीवतिया पकड़ ले, कहीं लोग इन्हें और यार का बर यार जाके श्री रामचंद्र जी से कहियो कि बबुआ लोग के नाम धो लिया, बबुआ के माई खर जीवतिया कैली हो। ए और यार का बर यार जाके श्री रामचंद्र जी से कहियो बबुआ लोग के नाम धो के बबुआ के माई खर जीवतिया कैली हो। ए और यार का बर यार जाके श्री रामचंद्र जी से कहियो कि बबुआ लोग के माई खर जीवतिया कैली हो। एक बार बोल दी जीवित पुत्रिका महाराज की जय जी। बोल लगे ताकेली सेने उन्होंने।